तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ यहाँ पर आप लोग का अल्फ़ाबेट की सीरीज में बी स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, आज से पढ़े आप लोग को बी सीरीज के वर्ड मिलेंगे और पिछले में मैंने आप लोग को वाई दिया है। कुल टोटल 7 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स, उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं सबका, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज से हम लोग B1 क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे जो आएगा आप लोग का B2 B3 इस तरह करके आप लोग को पर डे मिलता रहेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग का क्लास 29 है, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नए नए वर्ड यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर BAA। बा का मतलब होता है फ्रेंड्स मिमियाना, जैसे कि भेड़ मिमी आती है फ्रेंड्स, मेमना मिमी आता है उसी को कह रहे हैं हम यहाँ पर मिमियाना, या भेड़ की बोली भी आप लोग कह सकते हैं, मेमने की बोली भी कह सकते हैं, या भेड़ की आवाज़ भी आप लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स, या मेमने की आवाज़ भी कह सकते हैं बा का मतलब। ओके, यहाँ पर दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स BABLE बाइबल। बाइबल का मतलब होता है फ्रेंड्स तुतलाना। ठीक है, मतलब कि अस्पष्ट बोलना। ओके, या स्पष्ट न बोल पाना, या बच्चों जैसी बात करना आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, या बड़बड़ाना भी आप लोग कह सकते हैं बाइबल का मतलब, या बेवकूफ़ों की तरह बात करना भी आप लोग बोल सकते हैं बाइबल का मतलब। ओके, यहाँ पर तीसरा वर्ड है फ्रेंड्स बैबलर। बैबलर का मतलब होता है फ्रेंड्स बकवादी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग काम लगा लीजिएगा, बकवादी होता है या गप्पी होता है। ठीक है, या बकबक जो करते हैं उसी को बकवादी हम कह रहे हैं यहाँ पर। बाइबलमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स बकबक, जो बकबक करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, बकवास करते रहते हैं या वृथा की बातचीत करते रहते हैं उसे बाइबलमेंट कहते हैं, यानी कि बकबक। अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर बाइबलिंग। बाइबलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स बकवाद। ओके, जो कि फुल स्टॉप जिसको कह सकते हैं आप लोग समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बेब। ठीक है, BABE बेब का मतलब होता है शिशु, बालक या बच्चा भी आप लोग कह सकते हैं, या फ्रेंड्स अनुभवहीन व्यक्ति भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, बच्चा है तो अनुभवहीन ही है ना वो, तो इसलिए शिशु, बालक या अनुभवहीन व्यक्ति। ओके, यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बेबल। बेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या होता है, उपद्रव मचाना। ठीक है, सुर मचाना या तो होता है, और बेबल का मतलब ऊंची इमारत भी होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए BABISH, इसको बेबिस पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, और बेबिस का मतलब होता है बालक संबंधी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बैबुन, BABOON। बैबुन का मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का बड़ा लंगूर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बड़ा होता है उस लंगूर की बात कर रहे हैं, बैबुन का मतलब होता है लंगूर। ठीक है, बेबी का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, जो कि बालक या बच्चा होता है, BABY। बेबीहुड का मतलब होता है फ्रेंड्स बाल्यावस्था। ठीक है, बेबीहुड का मतलब बाल्यावस्था या शैशवावस्था भी आप लोग कह सकते हैं, दोनों होता है, बाल्यावस्था भी होता है शैशवावस्था भी होता है। यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंड्स बेबीज। बेबीज का मतलब होता है शिशु के समान। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला वर्ड है बेबीसीअसली। बेबीसीअसली का मतलब होता है फ्रेंड्स शिशुवत। ठीक है, शिशुवत होता है। और यहाँ पर देखिए बेबीसनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स लड़कपन। लड़कपन को फ्रेंड्स चाइल्डहुड मने भी आप लोग का लड़कपन होता है, CHILDHOOD, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है फ्रेंड्स लड़कपन, और बेबीसनेस का मतलब भी आप लोग का लड़कपन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लास 29 था फ्रेंड्स, आप लोग का B1 क्लास था। आगे आप लोगों से मिलते हैं क्लास 30 लेकर और बी सीरीज का 2। ओके, यानी कि B2 लेकर। अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। नमस्कार।